गांव प्रधान की चलती लापरवाही के कारण ग्रामीण हुए परेशान। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत भगोसा गांव का है। गांव के प्रधान के द्वारा अपने गांव में विकास के कार्यों को लेकर जनता में रोष देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों द्वारा मीडिया को अवगत कराया तथा गांव के मेन मार्गों पर जलभराव की समस्या एवं गंदे पानी के निकास ना होने के कारण पानी एक तालाब नुमा गड्ढे में एकत्र हो जाता है, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों को गंदगी एवं गंदगी की बदबू से जूझना पड़ता है तथा गंदे पानी से होने वाली बीमारियों एवं संक्रमण रोगों की चिंता हमेशा सताती रहती है। मगर गांव प्रधान है कि इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देते। उनका तो कहना ही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या नाम है तुम्हारा? इतराम चौधरी। अच्छा जी सर, जो गांव में समस्या है कि गांव में घुसते ही यहां पर कीचड़ है और नालियां बंद हैं, क्या कहेंगे सर? यहां प्रधान ने कोई विकास नहीं किया इस गांव में, पैसे को खा गया है। कोई खरंजा ना नाली ना कोई निर्माण कराया उसने। इधर मेन खरंजा, ये मेन रोड है, इसमें सारी गंदगी है और बच्चों का क्या मतलब, जो पूर्व बाद में स्कूल है वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, उसको कब्जा कर रखा है लोग वागों ने। बच्चों को जाने आने में भारी परेशानी हो रही है, गंदगी काफ़ी है। अगर गांव की बात करें हम, राशन डीलर की, तो राशन वासन मिलता है गांव वालों को? राशन डीलर का मतलब राशन डीलर बांटता है नहीं, कुछ 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 सुनने में आया कि कुछ गांव के कुछ दबंगे कुछ लोग ऐसे उनको उनको दे देता है, नहीं उनको 4 किलो देता है, ऐसी बात है। नहीं, 2 किलो से 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो दे रहा है, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है? रुपए के हमने हमको इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा सुनने में आता है कि एक दो है कोई जिनको मैं फ्री में दे देता है, तो हमको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इतना नॉलेज है।